दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मनोहर नगर स्थित कॉलेज में बच्चों के केविज कंपटीशन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बातचीत के दौरान अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को लेकर उन्होंने दिल्ली में ऑन इवन फार्मूले के लागू होने पर केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि पटाखे तो सिर्फ दो दिन चलाए जाते हैं लेकिन प्रदूषण के अन्य कई कारण हैं जिस पर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। सर आप यहाँ पर आए हैं, हालांकि थोड़ा सा इससे हटके सवाल है अपने यहाँ के कार्यक्रम से। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष और सांसद होने के नाते आपका बयान देना चाहेंगे। लगभग 68 वर्षों का इंतजार पूरा होने वाला है और लगभग 500 वर्षों का संघर्ष अब अपने प्रतिफल को प्राप्त होने वाला है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा 500 वर्षों से लड़ रहे, खप गए, जिनका जीवन चला गया सिर्फ इस संघर्ष में कि भगवान राम का जन्मभूमि उसको तोड़ा गया 500 वर्ष पहले, और ये समाज लगातार संघर्ष करता रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये समाज ने शांति प्रिय ढंग से